भाजपा साहब ने जो देने का काम किया है उसको बचाने का ये चुनाव। आप लोग जानते हैं भाजपा की सरकार जो है ये पूरे तरीके से जो है मनुवादी लोग और नागपुरिया कानून को ये लोग हमारे बाबा साहब के संविधान के जगह पे ये लोग लिखने का काम करना चाहते हैं। हमारे संविधान खतरे में है और आज हम लोग सब लोगों का फर्ज बनता है कि अपने संविधान का हम लोग रक्षा करने का काम करें। हम लोगों को कठिनाई कोई बात का नहीं, लेकिन दर्द है जिसको हम लोग सह रहे हैं। वो दर्द है कि आपके नेता आदरणीय लालू जी आज हम लोगों के बीच शारीरिक तौर पे, ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिस चुनाव में लालू जी आप लोगों के बीच हम लोगों के बीच नहीं। ये भाजपा के लोगों ने लालू जी को जबरन फंसा करके साजिश रच करके जेल भेजने का काम किया है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि भाजपा के लोग सबसे ज्यादा अगर डरते हैं तो वो लालू यादव से डरते हैं। ये लोग जानते थे भाजपा वाले लोग कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माइक के लाल में दम नहीं है जो हमारे आरक्षण और संविधान के साथ। देखिएगा कि हमको हमारे बीमार पिता से मिलने नहीं दिया गया। हम रांची गए थे 12 दिन 15 दिन पहले, लेकिन हम गिड़गिड़ाते रह गए, गुहार लगाते रह गए, लेकिन हमको 10 मिनट भी मुलाकात नहीं करने दिया गया। एकदम पाबंदी लगा दी। अब हम देखिए जनता की अदालत कहाँ है। जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है, ना तो सुनवाई होता, सीधे फैसला होता है, न्याय होता है। न्याय और फैसला आप लोगों को करना है और जनता की अदालत से और कोई बड़ा अदालत नहीं होता है। आपसे हम पूछ सकते दिया नहीं दिया, क्यों नहीं बिहार को विशेष पैकेज दिया, क्यों नहीं बिहार में एक भी स्मार्ट सिटीज बना, नहीं हो गया है। तो मोदी जी जो है इनकी पूरी जो राजनीति है ये बनावटी मिलावटी और दिखावटी है। ये लोग नारा लगाते थे, कितने लगाते थे, घर घर मोदी, घर घर मोदी। अगली बार मोदी सरकार, हम लोग उस समय बोलते थे ये हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं है, ये गड़बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी है। एक बात समझ लीजिए, 4 चरण हो गया चुनाव और चारों चरण में हम लोग जो है एक तरफा महागठबंधन के लोग जहां जहां लड़ रहे हैं वहां वहां। हमको तकलीफ है अपने चाचा को देखकर, तरस आता है, तरस इस बात पे आता है कि बेचारे चाचा का भाजपाइयों ने क्या हाल बना रखा है। आजकल बॉडी लैंग्वेज अगर उनका देखिएगा तो एकदम उतरा उतरा सा, तो एकदम मुंह लटका हुआ है। तो आप जानते हैं कि आप लोगों को क्या करना है। क्या तो यार पूरी तरीके से आशीर्वाद और समर्थन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, सर नारा लगाइएगा। हम लगाएंगे, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, दोनों हाथ उठा करके आप बोलिएगा देश बचाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ। एक पट्टू चाचा के लिए बोलिएगा, हम बोलेंगे पट्टू चाचा भगाओ, तो आप बोलेगा बिहार बचाओ, ठीक ना। पट्टू चाचा भगाओ बिहार बचाओ, पट्टू चाचा भगाओ बिहार बचाओ, पट्टू चाचा भगाओ बिहार बचाओ। तो आप लोगों की अनुमति हो तो राजभूषण जी को विजय कमला दे दें।